तो गाइस हम लोग अभी हैं HN हल्ली मेट्रो स्टेशन के पास में, मैं और अपने रत्नेश भाई, ठीक है, यात्री यूट्यूबर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सफ़र करने के लिए मेट्रो का, लॉकडाउन के बाद में कैसा है और संडे के दिन मतलब भीड़ है कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि आगे तक मेट्रो नहीं है, मेट्रो यहाँ तक ही है, बाकी आगे ट्रेन चल रही है और जब स्टार्ट होएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं मेट्रो के अंदर, ठीक है। बहुत लंबी चढ़ाई है, नहीं चढ़ाई बहुत लंबी है और लग रहा है टोकन नहीं देते, पहले टोकन मिलता था ना, वो बोल रहे हैं अभी गूगल पे फ़ोन पे ATM कार्ड कुछ है तो तब जाके आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो नहीं। रत्नेश भाई अभी कार्ड बनाने के लिए गए हैं, एक ही कार्ड लेके आए थे तो एक कार्ड से दो जने नहीं जा सकते, और जो है अभी कोविड के कारण टिकट नहीं मिल रहा है तो आप लोग को कार्ड ही बनवाना पड़ेगा। कार्ड 50 रुपये का है और 50 रुपये रिचार्ज होगा, 100 रुपये पड़ेगा, बट जहाँ तक आपका जाना है ये भी देखना है रिचार्ज उतना है कि नहीं है। वैसे मेट्रो स्टेशन के पास साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, देखो इधर पूरा अच्छा है ना, और मैं बहुत दिन बाद इधर कुछ कोविड से लिखा है कोविड 19 टेस्टिंग कैन नाक संद्रा। एक चीज़ पता है क्या है, मेट्रो से आपका टाइम जो है बचता है, आप कहीं अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैफिक नहीं रहेगी, आप टाइम पे पहुंचोगे, तो वो एक अच्छी चीज़ है मेट्रो का। और हम सिर्फ ये देखने के लिए जा रहे हैं अभी लोग सफ़र कैसा कर रहे हैं, और देखो एक चीज़ आके इधर मालूम पड़ा कि अभी टिकट नहीं मिल रहा है, और आप कैश लेके आओगे तो नहीं मिलेगा, आप कार्ड या ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम ये सब आपके फ़ोन में है तो ही आपको कार्ड भी मिलेगा, टिकट वो भी नहीं मिलेगा। तो आप अगर ऐसा आते हो सोच के तो मत आओ, अगर आते हो तो लेके आओ सारा चीज़, कोई ना कोई आपके पास रहना चाहिए। चलो एक बढ़िया चीज़ है, बनशंकरी जाने के लिए जो हमारा मेट्रो है इधर से ही आएगा, अच्छा लगा ना, बहुत मज़ा आ गया भाई व्यूज देखने के लिए, एक्सीलेंट, पैसा वसूल हो गया, 100 रुपीस खर्चा किए हैं सिर्फ दो स्टेशन आने के लिए। भाई ने दो कार्ड लेके आए, पहले गए 100 रुपये का लेके आए रत्नेश भाई, दोबारा गए फिर 100 रुपये का एक लेके आए हैं ये, हम लोग सोचे थे एक ही कार्ड में निकल जाएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग को कभी ट्रेवल नहीं करना पड़ता क्योंकि हमारे पास बाइक है, इनके पास भी है मेरे पास भी है, हाँ फर्स्ट टाइम सिर्फ ट्रेवल करने के लिए हमने कार्ड लिया है, देखने के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए अभी सिचुएशन कैसा है। तो अभी देखते हैं, पहले निकलते हैं कहाँ, ठीक है। अरे ये एग्जिट का है ना, दिखा रहा है एग्जिट का ये वाला है। अभी मैं मेट्रो से घूम के आ चुका हूँ अपने घर पे, आने के बाद मैंने 1-2 घंटे रेस्ट करा है, उसके बाद मैं सोचा यार थोड़ा अभी चल के, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में वीडियो ख़त्म वहाँ पर नहीं करा था, मैं और रत्नेश को भी कुछ काम आ गया, रत्नेश वहाँ से चले गए, मैं और रत्नेश वहाँ से निकले और सीधा अपने अपने घर, घर आके थोड़ी रेस्ट करी और सारे फ़ोटो चेक किए सब सही है क्या, फिर मैंने बोला चलो बढ़िया है। लेकिन वैसे सफ़र करके मेट्रो का काफ़ी बढ़िया लगा, अगर आपको भी करना है ये टाइम में करो। आपने देखा कितना खाली था, तकरीबन मेट्रो में कम से कम 20 ही लोग रहे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे, जैसा कि आपने देखा। मज़ा आया बट
एक एक्सपीरियंस जो रहा, अगर आप लोग जाते हो तो आप इतना पैसा लेके जाओ कि आप कार्ड बना सको और उसको रिचार्ज कर सको। अभी टिकट जो पहले कॉइन मिलता था अभी वो नहीं मिलता है, सिस्टम चेंज हो चुका है। और वो भी एक कार्ड से नहीं, जितने लोग जाएंगे पर पर्सन पर कार्ड लगेगा। अगर चार जने जा रहे हो तो चार कार्ड आपको खरीदना पड़ेगा और उसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, 30-40 रुपए में जहां आपको जाना रहता था आप टिकट लेते थे वहां आप पहुँच जाते थे। बट सारी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल मैं अपने छत पे हूँ, देखो वैसे कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब सारा का सारा ऐसे ही है। लॉकडाउन में हमने बहुत सारी वीडियो यहाँ पे बनाई थी, यहाँ वर्कआउट करता था। फ़िलहाल अभी वर्कआउट वगैरह थोड़े दिन से बंद है, फिर शुरू होएगा अब नए साल से। कितना दिन नए साल में बचा ही है, जो भी 15-16 दिन, उसके बाद नया साल आने वाला ही है। तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।